हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इनबिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। डियर स्टूडेंट, इन पार्ट 8 वीडियो वी हैव ऑलरेडी सॉल्व सम क्वेश्चन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाउ स्टूडेंट, इन पार्ट 9 वीडियो वी विल स्टडी अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड आफ्टर देन वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन। नाउ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy/dx + py = q, वेयर p इज ए कांस्टेंट एंड q इज ए कांस्टेंट और ए फंक्शन ऑफ x। The other common form of a linear differential equations is dx/dy + px = q, where p is a constant and q is a constant or a function of y। Student, इस form में dx/dy + px = q के form में अगर कोई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन हो तो इस फॉर्म का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोर्ड ने रिमूव कर दिया है। ये आपको स्टडी नहीं करना है, आपको केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy/dx + py = q ही आपको स्टडी करना है। और एक बात याद रहे, dy/dx + py = q को हम कहेंगे मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पर p या तो कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा, q कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा, या यह भी हो सकता है p कांस्टेंट हो q x का फंक्शन हो, या q कांस्टेंट हो p x का फंक्शन हो। नाउ सॉल्यूशन ऑफ dy/dx + py = q, सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, जिसे हम if से डिनोट करेंगे। फर्स्ट वी फाइंड e^power इंटीग्रेशन p dx, व्हिच इज नोन एज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दैट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर को if से लिखेंगे। Means first we find e^(p dx) and e^(p dx) is known as integrating factor, that is if, if का मतलब होगा integrating factor। Now dy/dx + py = q यह given है, इसके दोनों साइड में e^(p dx) से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये हो जाएगा e^(pdx) · py e^(pdx). This equal to q e^(pdx). अब हम दोनों साइड में dx से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा e^(pdx) · dy + py e^(pdx) · dx, this equal to q e^(pdx) · dx। अब स्टूडेंट, e^(pdx) · dy + py e^(pdx) · dx को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ y e^(pdx). जब हम डेरिवेटिव निकालेंगे y e^(pdx) का, तो हमें यह वैल्यू मिलेगा। मींस फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यही रीजन है इस पूरे को हम लिखे हैं डेरिवेटिव ऑफ y e^(pdx). और इसकी वैल्यू इक्वल होगा q e^(pdx) · dx।
अब स्टूडेंट डेरिवेटिव को एलएचएस से अगर हम रिमूव करें तो आरएचएस में जो टर्म है वह इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। मींस इसको हम रिमूव करेंगे इस टर्म का एंटी डेरिवेटिव होगा और एंटी डेरिवेटिव को ही हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो यहां से हो जाएगा वाई इंटू ई पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स, दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटू ई पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स इंटू डीएक्स प्लस सी। हियर सी इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इसको और बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है y into e raised to power integration p dx को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा गया, या इसे शॉर्टकट में हम if से लिखते हैं तो हो जाएगा y into if is equal to integration q into फिर यानी देन if into dx means इसके साथ dx सेपरेट है प्लस c। तो यह फॉर्मूला आपको याद रखना है और इसके साथ साथ आपको यह भी याद रखना है कि जब भी लीनियर इक्वेशन आपकी फॉर्म dy by dx plus py equal to q के फॉर्म में हो तो सबसे पहला वर्क हमारा है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e raised to power integration p dx होता है और उसके बाद हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और सॉल्यूशन होगा y into if this equal to integration q into if dx plus c where c is integrating constant। Now working rule for solving dy by dx plus py equal to q। यह जो टू स्टेप है इसको भी हम डिस्कस किए हैं, एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप में यही है फाइंड आउट करेंगे हम if, if means इंटीग्रेटिंग फैक्टर और if की वैल्यू होगा e raised to power integration p dx, इसे हम फाइंड आउट करेंगे। और सेकंड है दिस सॉल्यूशन इज गिवन बाय y into if दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन q into if dx plus c वेयर c इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। और स्टूडेंट एक बात और आपको याद रखना है, कहीं लिखा गया e raised to power log a किसकी वैल्यू a होता है, यह हम डिफरेंशिएशन में आप लोगों को बता चुके हैं। नाउ स्टूडेंट वी विल सॉल्व ए क्वेश्चन एंड क्वेश्चन इज सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx minus y दिस इक्वल टू 2x क्यूब वेयर x इज ग्रेटर देन 0, मींस x की जो वैल्यू होगी वह पॉजिटिव वैल्यू होगी, ऐसा क्वेश्चन के कंडीशन में गिवन है। नाउ सॉल्यूशन, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज x dy by dx माइनस y इक्वल टू 2x क्यूब वेयर x इज ग्रेटर देन 0 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय x देन वी गेट dy by dx माइनस 1 अपॉन x into y this equal to 2x square। अब स्टूडेंट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं dy by dx plus minus 1 by x into y this equal to 2x square, this is of type dy by dx plus py this equal to q। स्टूडेंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में यह है और बताया गया है कि p या तो कांस्टेंट हो या तो x का फंक्शन हो, q कांस्टेंट हो या तो x का फंक्शन हो। यहां पर p लिखा है तो यहां p की जगह पर माइनस वन बाई x है जो कि x का फंक्शन है और RHS में q है, तो इस इक्वेशन के RHS में 2x स्क्वायर है जो कि x का फंक्शन है। अब हम कहें हैं दिस इज ऑफ टाइप dy by dx plus py equal to q, देन अब स्टूडेंट p की वैल्यू हो जाएगा
माइनस वन बाई एक्स और क्यू की वैल्यू हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर। सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन सोल्यूशन फाइंड आउट करने से पहले सबसे पहले हम आई एफ निकालेंगे। देयरफोर आई एफ दैट मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलेंगे, यहां सब फाइंड आउट करेंगे। दिस इज इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, दिस इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन पी की वैल्यू है माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस वन बाई एक्स इंटीग्रेशन वन बाई एक्स डी एक्स, दिस इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर माइनस लॉग। अब स्टूडेंट मॉडुलस ऑफ एक्स होगा, लेकिन कहा गया कि एक्स की वैल्यू जीरो से ग्रेटर है, यही रीजन है कि यहां सिंपली में हम एक्स लिख सकते हैं। दिस इक्वल टू ई रेज़ टू द पावर, अब इसे हम लिख लेंगे लॉग एक्स रेज़ टू द पावर माइनस वन, क्योंकि यह एन लॉग एन के फॉर्म में है, जिसे हम लिख सकते हैं लॉग एन रेज़ टू द पावर एन, और यहां पर एन की वैल्यू माइनस मींस माइनस वन है। तो यह हो जाएगा ई रेज़ टू द पावर लॉग वन बाई एक्स, और आपको फॉर्मूला बताया है ई रेज़ टू द पावर लॉग ए की वैल्यू ये है, ई रेज़ टू द पावर लॉग वन बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगा वन बाई एक्स। यह आई एफ की वैल्यू है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू। देयरफोर सॉल्यूशन इज गिवन बाय, तो हो जाएगा y इंटू बताया गया आई एफ, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dx प्लस c। स्टूडेंट यह फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, दिस इंप्लाइज दैट y मल्टीप्लाई बाई आई एफ की वैल्यू हो जाएगा वन बाई एक्स, दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू है टू एक्स स्क्वायर, और आई एफ की वैल्यू मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा वन बाई एक्स डी एक्स प्लस c। दिस इंप्लाइज दैट y बाई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब ये हो जाएगा 2x dx plus c, this implies that y by x equal to integration 2x dx की वैल्यू जब एलिवेट करेंगे तो हो जाएगा x square और plus निकलेंगे c, this implies that y equal to x cube plus cx, this is required, this is required सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आंसर हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट सम क्वेश्चन इज गिवन इन गूगल क्लासरूम ऐप, थैंक्स।